अल्लाह मुझसे लिखने लिखाने का काम ले रहा है। अभी एक आध साल पहले मैं मुस्लिम कौम की बेटी हूँ ये किताब आई और अब तक एक मोहतात अंदाज के मुताबिक तकरीबन 40,000 तक की किताब अब तक निकल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, आज हम जिस मजलिस में जमा हुए हैं, दरअसल इस मजलिस के मुनाकद करने का मकसद ये है कि हमारे उस्ताद मुकर्रम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम कोपरगाँव के शोबे अरबी अदब के उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद यासिन साहब मिल्ली नदवी दामत बरकातुमुल आलिया की एक तसनीफ़ जिसका नाम एक गुनाह कबीरा जो कि आम हो चुका है, इस उन्वान से हज़रत मौलाना ने एक तसनीफ़ की है। उम्मत की रहबरी और रहनुमाई के लिए उन्होंने रुशहात कलम को झिंझोड़ा है। आज इंशाल्लाह उसी किताब का इजरा होगा इस मुबारक महफिल में। मैं चाहूँगा कि इस किताब के ताल्लुक से हमारे जो मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ हैं वो अपनी राय बयान फरमाएं। इसी के साथ साथ मोहतरम जनाब अरफात भाई जो कि माशाल्लाह एक नौजवान हैं और फ़िक्रमंद भी हैं, उन्हीं के तहरीक पर हज़रत मौलाना ने ये किताब तालीफ फरमाई है, तो वो भी अपने इजहार ख्याल बयान फरमाएंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस किताब का इजरा करवा दिया जाए, उसके बाद इंशाल्लाह इसके मुतालिक तफसीली बात बयान होगी और उसके बारे में जो तारीफ़ वग़ैरह है वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। तो सबसे पहले इंशाल्लाह हमारी ये किताब है उसका इजरा अमल में आ रहा है। ये किताब माशाल्लाह हमारे अय्यूब भाई साहब इनके हाथों उसका इजरा अमल में आ रहा है जिसका नाम एक गुनाह कबीरा जो कि आम हो चुका है। माशाल्लाह ये जो किताब है एक गुनाह कबीरा जो कि आम हो चुका है, इसमें मजामीन की शक्ल में उर्दू में भी है और हिंदी में भी है माशाल्लाह। तो इसके मुतालिक चंद तारुफी कलिमात हमारे अरफात भाई बयान फरमाएंगे। दोस्तों और बुज़ुर्गों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे इस दौर में, इस जनरेशन में आज बहुत से फितने पनप रहे हैं जिनमें हम देखते हैं कि एक फितना है ये फ़ोन, जिसकी वजह से एक क्लिक में ना सब कुछ आसान और इजी हो गया। हमारे अंदर से एहसास ख़त्म हो चुका है, एहसास किस चीज़ का कि हम अब गुनाह को गुनाह नहीं समझते। जैसे हमारे बहुत से नौजवान शराब नोशी को, जिनाहकारी को, फाहिश चीज़ों को, झूठ को आम समझ बैठे बिल्कुल, जबकि गुनाह कबीरा है। तो इसी को रोकने के लिए, हमारे नौजवानों की इस्लाह के लिए मौलाना ने एक बहुत खूबसूरत कोशिश की है। एक उन्होंने किताब लिखी है गुनाह कबीरा जो आम हो गया है। तो आप सभी हजरात से गुजारिश है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को समझिए और इस कोशिश को आम कीजिए। मेरा आज गला ख़राब था, मैं बोल नहीं पाता, लेकिन मैंने देखा कि मेरे एक दोस्त अब्दुल्ला की मुझे एक बात याद आई। मेरे एक दोस्त है अब्दुल्ला, उससे मेरी बात हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि अब्दुल्ला आज माशरे में बेहयाई और बदकारी कितनी आम हुई, लोग कितने गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो उसने मुझसे कहा कि माशरे में बेहयाई जो है, बदकारी है, वो बुरे लोगों के बढ़ने से नहीं बढ़ती, बुरे लोगों के बढ़ने से नहीं बढ़ती, बल्कि अच्छे लोगों के खामोश होने से बढ़ जाती है। तो आप इस चीज़ का ख़ास अहतमाम कीजिएगा कि इस किताब को अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाइएगा, अपने रिश्तेदारों को तोहफ़तन ये चीज़ दीजिएगा और इस कोशिश को आम कीजिए।
अल्लामा इकबाल साहब के बहुत मकबूल लाइंस हैं, वो कहते हैं कि सबक नौजवानों के ऊपर स्पेशली फिट होते हैं पूरे, कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, काम तुझसे भी लिया जाएगा फिर दुनिया की इमामत का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माशाल्लाह, इस किताब के मुतालिक चंद तारुफी कलिमात के बाद मैं मुसन्निफ़ हाज़ा, मुसन्निफ़ किताब हाज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद यासिन साहब मिल्ली नदवी को परगामी आपको दावत देता हूँ कि आप अपने तासुरात बयान फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों और जवानों, वक्त बहुत कम है, नमाज का वक्त करीब है, मैं इंतहाई मुख्तसर थोड़े में अपनी बात पेश कर रहा हूँ कि दुनिया में इस्लाह के कई तरीक़े हैं, बयानात है, वाज़ो बयान और लिखना लिखाना है। अल्लाह मुझसे लिखने लिखाने का काम ले रहा है। अभी एक आध साल पहले मैं मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, ये किताब आई और अब तक एक मोहतात अंदाज के मुताबिक तकरीबन 40,000 तक की किताब अब तक निकल गई है और इसका तर्जमा ट्रांसलेशन गुजराती वगैरह में भी हुआ। लड़कियों की इस्लाह के लिए अभी छोटी सी किताब है, नौजवानों की इस्लाह के लिए अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह इस किताब को भी मकबूल करेंगे इंशाअल्लाह, और कुछ ना कुछ इससे नौजवानों की इस्लाह होगी। आप हजरात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, मैं तमाम ही हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इस शिरकत का सवाब दे। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको अमल की तौफीक दे। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।